हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हिंदी रिव्यूअर। और मैं हूँ विकास और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिग बॉस मराठी के बहुत सारे अपडेट्स। तो बिग बॉस मराठी में सबसे पहला अपडेट तो यही है और यही हॉट टॉपिक जो हर जगह चल रहा है वो है बिग बॉस मराठी के कौन कौन कंटेस्टेंट आने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में 5 कंटेस्टेंट आप लोग को ऑलरेडी बता दिए थे, यहाँ पर मैं और कुछ और कंटेस्टेंट इसमें ऐड करना चाहूँगा और आप लोगों को क्विकली आप लोग को बताऊँगा कि कौन सारे कंटेस्टेंट यहाँ पे बिग बॉस मराठी सीज़न 3 में आने वाले हैं। जी हाँ, तो ये तो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इस बार बिग बॉस मराठी सीज़न 3 जो कि बहुत ही समय से होल्ड पे था, जो हम लोग वेट कर रहे थे, मई से वेट कर रहे थे कि अब आएगा, जून में भी वेट किया, लेकिन फाइनली अब वो 19 सितंबर को 2021 में लॉन्च हो रहा है। तो गाइज, आप लोग एक्साइटेड है या नहीं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स फिर से तुरंत मिल सके और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलना गाइस। ओके, सो दीज आर द बिग बॉस मराठी 3 सीजन सॉरी बिग बॉस मराठी सीज़न 3 के कंटेस्टेंट की झलक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एंड बहुत सारे इसमें कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत ही पुराने, मतलब कि शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हैं, बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, कुछ रियलिटी शोज़ करके आए हैं, तो बहुत ही मिक्स पैक्ड है एंड आई एम श्योर आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा जब इनकी एंट्री होगी एंड इट विल बी रियली फन। और महेश मांजरेकर की जो होस्टिंग होती है उसके बारे में क्या कहना, सो वो तो अलग ही फ्लेवर रहेगा। सो हर एक चीज़ का अलग फ्लेवर है, जैसे सलमान खान की होस्टिंग का अलग फ्लेवर है, उसी तरीके से महेश मांजरेकर सर की होस्टिंग का अलग ही फ्लेवर है, लेकिन इन दोनों की होस्टिंग को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं करण जौहर की होस्टिंग से। सो गाइज, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको किसकी होस्टिंग ज़्यादा पसंद है, महेश मांजरेकर सर की या सलमान खान की। अब हम सबसे पहले कंटेस्टेंट, जैसे कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं नेहा जोशी, तो अब मैं क्या है, मैं सीधा रन करूंगा स्लाइड को और सारे कंटेस्टेंट आपको दिखा दूंगा एंड देन उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। हमारे 11 कंटेस्टेंट्स, तो आप लोग गाइस बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा इन सारे कंटेस्टेंट्स के बायो देख के। सारे कंटेस्टेंट्स में से आपको कौन कंटेस्टेंट के बारे में जानने की इच्छा है वो हमें भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम आपको बताएंगे उन कंटेस्टेंट की और डिटेल्स पूरे ही विस्तार से। ओके, एंड नाउ डिस्क्लेमर, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि बिग बॉस मराठी हम लोग हिंदी में रिव्यू करेंगे, तो ये रीज़न वही है कि हम लोग योर हिंदी रिव्यूअर हैं एंड हिंदी में ही रिव्यू करते हैं और दूसरा हिंदी इज़ आर नेशनल लैंग्वेज और हम लोग भी कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में रिव्यू करने के लिए। एंड नीडलेस टू से वी लव एवरी लैंग्वेज एंड विल ट्राई टू मींस लर्न एंड मींस एक्सपेडाइट आर लर्निंग इन मराठी और बहुत ही सारे लैंग्वेजेस को हम लोग जल्दी से ही सीखेंगे। तो ORV, जैसे कि आप लोग सबको पता है कि हम लोग एक लव स्टूडियोज़ है योर हिंदी रिव्यूअर और हमारा नेक्स्ट एम है तेलुगु, तमिल, ये सब भी जल्दी से रीजनल लैंग्वेजेस को कवर करना। और होस्ट हाशमी एंड ये है कुछ पहले के हमारे वर्क्स, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, दैट वॉज रियली क्विक एंड होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। इसके बाद जो भी कंटेस्टेंट के अपडेट्स होते हैं मैं आपको तुरंत ही बताऊँगा एंड आपको जल्द ही लेके आपके पास प्रेजेंट करूँगा। तो नेक्स्ट कंटेस्टेंट लिस्ट एज जैसे मैंने बोला कि 13 सितंबर को आ जाएगा और आप लोग बस स्टे ट्यून रहिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को विच इज़ योर हिंदी रिव्यूअर, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा और यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो थैंक यू, दिस वॉज विकास साइनिंग ऑफ एंड इट वॉज रियली नाइस टू टॉक टू यू ऑल।